उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटरों की तलाश में शुक्रवार रात नाकेबंदी कर दी गई। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया। प्रत्येक गाड़ी चेक की जाने लगी। स्टेशनों और बस अड्डों पर भी चेकिंग होती रही। जिस तरह से एक खुले चेहरे के साथ शूटरों ने घटना को अंजाम दिया, पुलिस को आशंका है कि बाहर के शूटरों ने घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी के में दिखे उनके चेहरों के आधार पर तलाश की जा रही है। धूमनगंज में शुक्रवार की शाम हथियारबंद शूटरों जिस सनसनीखेज और दुस्साहसिक ढंग से उमेश पाल की हत्या की, पुलिस महकमा उससे हतप्रभ है। शूटरों ने अपना चेहरा तक नहीं ढका था। एक ने टोपी पहनी थी। सभी उमेश की क्रेटा कार का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कार रुकी, उमेश बाहर निकले। एक शूटर ने उन्हें गोली मार दी। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश कुछ दूर पैदल भागे, फिर बाइक से बैठकर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों के चेहरे दिखे हैं। उन्हें पहचानने के लिए शहर में लंबे समय से तैनात पुलिस वालों के अलावा पुराने बदमाशों की मदद ली गई, लेकिन उन्हें पहचाना नहीं जा सका। इसी कारण पुलिस मानकर चल रही है कि बदमाश बाहर ही थे। निश्चित रूप से घटना के बाद वो बाहर भागने का प्रयास करेंगे। पुलिस ने इसी कारण जनपद की सारी सीमाओं को सील कर दिया है। बाहर जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस की टीमें होटलों, ढाबों और धर्मशालाओं की भी चेकिंग कर रही है। जिले के सभी स्टेशनों और बस अड्डों पर सीसीटीवी फुटेज भेजकर जांच कराई जा रही है। प्रयागराज पुलिस को शक है कि शूटर पूर्वांचल के हो सकते हैं। इस कारण पूर्वांचल के एक दर्जन से अधिक जिलों में शूटरों की फोटो और सीसीटीवी फुटेज भी भेजी गई है। दिनांक 24 फरवरी 2023 को जनपद प्रयागराज के थाना धूमनगंज क्षेत्र के जयंतीपुर में श्री उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मी के ऊपर जानलेवा हमला की घटना कायद की गई थी। इस घटना में श्री उमेश पाल एवं एक सुरक्षाकर्मी की दुखद मृत्यु हुई एवं एक सुरक्षाकर्मी का इलाज चल रहा है, जिनकी कंडीशन अभी क्रिटिकल है। इस घटना के संबंध में 24/25 की रात्रि और 25 तारीख की सुबह श्री उमेश पाल की पत्नी के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 34 भादवी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 7CLA एक्ट के अंतर्गत। इस मुकदमे में माफिया अतीक अहमद, माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन, माफिया का भाई अशरफ एवं इनके अन्य पुत्र, ये साजिशकर्ता के रूप में नामजद हैं, एवं माफिया अतीक अहमद का एक पुत्र एवं दो नामजद इनके साथी व 9 अन्य अज्ञात साथी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे में जनपद प्रयागराज की पुलिस की 10 टीमें इसमें इन अपराधियों के ढूंढने, तलाशने और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के लिए इस समय जगह जगह दबिश दे रही हैं, लोगों से पूछताछ कर रही हैं। और एज पुलिस कमिश्नर जनपद प्रयागराज, मैं यहां की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस जघन्य कांड में, इस दुखद कांड में जो भी माफिया और माफिया के साथी सम्मिलित हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि भविष्य के लिए एक नजीर बनेगी।